शर्म आनी चाहिए आपको इतनी घटिया हरकत करते हुए। अब ये नाटक मत कीजिए, मुझे पता है आप जाग रहे हैं। उठिए उठिए उठिए, अरे उठिए ना। खबरदार जो मेरे हिस्से में पांव रखने की कोशिश की तो। अभी तो इतनी गहरी नींद में सो रहे थे आप, अब नींद कैसे खुल गई आपकी? एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से बकवास कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको खुद को पेंटर कहते हुए। लेकिन हुआ क्या है, क्यों कह रहे हो? मेरी पेंटिंग खराब करते हुए आपको एक पल के लिए भी नहीं लगा कि एक आदमी इतनी मेहनत से पेंटिंग बना रहा है? अरे अच्छी खासी तो बना रही थी, खराब क्यों कर ली? बकवास बंद कीजिए। खामखा मैं पेंटिंग बिगाड़ दी आपने मेरी। मैंने तुम्हारी पेंटिंग बिगाड़ दी? सोमन में बस यही सुनना बाकी रह गया था। अरे मैं क्यों बिगाड़ूंगा तुम्हारी दो कौड़ी की पेंटिंग को? मैं खुद इतना बड़ा पेंटर हूं कि देश विदेश में मेरी एग्जीबिशन लगती है। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। चलो कर दिया, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी लाइन पे आ गए। मैं सिर्फ ये चेक कर रहा था कि क्या आप में थोड़ी भी ईमानदारी बाकी है, लेकिन आप झूठे होने के साथ साथ बेईमान भी हैं। बकवास मत करो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बैठे हुए सामने लोग, पूछो इनसे अगर मैंने तुम्हारी पेंटिंग को हाथ लगाया हो तो। मुझे पता है आप लोग सच्चे लोग हैं, आप लोग झूठ नहीं बोलेंगे। प्लीज इन्हें बताइए, इन्होंने हाथ लगाया था या नहीं लगाया था? लगाया था। पकड़े गए रंगे हाथों, सुन लिया अपने कानों से? झूठ, सफेद झूठ, सारे के साथ झूठे बैठे हैं यहाँ पर। एक आप ही सच्चे हैं, बाकी तो पूरी दुनिया ही झूठी पैदा हुई थी। पर आप मुझे किस मुंह से बताएंगे कि आपने ये घटिया हरकत की क्यों? अरे मैं क्यों बताऊं, मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा मन, जो मन में आएगा वो करूंगा। जी भाई के लाल में हिम्मत हो तो मुझे रोक करके दिखाए। इनकी किसी भी बात या हरकत से आपको लगता है कि ये एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है? नहीं ना, मेरा भी इनसे मिलने के बाद पूरी प्रशासकीय व्यवस्था से विश्वास उठ गया। और जो ये दावे कर रहे हैं ना नामी पेंटर होने के, उसका सच ये है कि इनके ऊंचे पद पर होने की वजह से जिन बेचारों के इनसे काम अटके होते थे उन्हें मजबूरी में इनकी पेंटिंग खरीदनी पड़ती थी। क्या इनसे काम निकलवाने का कोई और तरीका तो था नहीं? रिश्वत ये लेते नहीं थे, और क्या मजाल की यारी दोस्ती में कोई इनसे अपना काम निकलवा लेना। जिन उसूलों के बड़े पक्के थे तो ले दे के एक ही तरीका बचता, इनकी पेंटिंग खरीद लो। पर मुसीबत पेंटिंग खरीद पर लेने से खत्म नहीं हो जाती थी। उसके बाद ये चाय पीने के बहाने कभी भी उस बेचारे के यहां सिर्फ ये चेक करने पहुंच जाते थे कि उसने इनकी वो महान कलाकृति अपनी ड्राइंग रूम की दीवार पे लगाई है या नहीं। शट अप, जलते हो तुम उससे। अरे मैं क्यों जलूंगा, खुद पंजा ने मुझे ये बात बताई थी। पंजा को बीच में लेकर के बता रहा। पंजा के अलावा है ही क्या आपके और मेरे बीच में? पंजा की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने तुमसे शादी की। नो 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 नो, ये आपकी राय है। नो 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 नो, वो यही मानती थी। हो ही नहीं सकता। तुम्हारे कहने से क्या होता है, सच थोड़ी बदल जाएगा। अरे यकीन नहीं होता, आप इस हद तक नीचे गिर के दिखाएंगे? तो नीचे गिरने का ठेका आपने ले रखा है क्या? किसी तरह आज की रात बीत जाए बस। क्या कहा, क्या कहा? अरे मैंने कहा कुछ, वो फोन बज रहा है, फोन की। हेलो, यह मैं ईश्वर प्रसाद अवस्थी बोल रहा हूँ जी। मुझे तो नहीं जाना चारधाम की यात्रा पर। अरे क्या करेंगे आप मेरी उम्र पूछ करके, बेकार की बात करते हैं आप। हम का मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, कम वक्त देंगे। अरे आज के बाद कभी फोन किया तो पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा मैं।
ये एम खाना हरकत कहीं आपने तो नहीं की? मैंने? अब आप इस बात का इल्जाम भी मेरे ऊपर लगाएंगे? हद नहीं है ये? क्या पता आपके मन में कोई साजिश पल रही हो मेरे खिलाफ। साजिशें आपके मन में पलती हैं, मेरे नहीं। सुनिए, आज मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी। बात तो मुझे करनी है आज तुमसे कुछ। पहले मैंने कहा है तो मेरी बारी होगी ना। पहले मैंने सोचा था इसलिए पहले मैं बोलूंगा। कितने चालाक हो आप। थैंक्स गॉड तमीना नहीं कहा। मैं आए? नो 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 नो, यू मे नॉट। मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे? मैं सुनूंगा ही नहीं। अरे ऐसे नहीं कर सकते हैं आप। आप जब भी कोई बात कहते हैं तो मैं आपकी सारी बातें ध्यान से सुनता हूं या नहीं सुनता हूं। अब क्या बच्चों जैसी हरकत है ये? हाथ हटाइए अपने कानों में से। मुझे बहुत जरूरी बात कहनी है आपसे, प्लीज। इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है पापा। पापा मत बोलो मुझे, आई डोंट लाइक दिस। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, फिर से सुनाई देना बंद हो जाएगा। ऐसा पहले कई बार हो चुका है आपके साथ। हाँ काश पंजा जीत जी है, देख पाती कि तुम कितने घटिया किस्म के इंसान और आप कितने बेरहम हो, काश ये भी जान पाती। नहीं झेला जा सकता तुमको, नहीं झेला जा सकता। और सबसे पहले वो गीली तौलिया हटाओ बिस्तर पर। हाँ ठीक है, बढ़िया। तुम्हें पता है ना पंजा कितनी नफरत करती थी तुम्हारी इस आदत से। पंजा का नाम लेने की क्या जरूरत है? नफरत तो वो तुमसे भी करती थी, कह नहीं पाई। देखिए आप आप लोग यकीन मत कीजिएगा इनकी बात का, पंजा बहुत प्यार करती थी मुझसे। सो सॉरी। करती थी नहीं, करती है। न जाने कितने रंग थे जो उसने मेरी जिंदगी में भर दिए थे। इतनी खुशियां लेके आई वो कि मैं भूल ही गया कि उसके आने से पहले जिंदगी कितनी सूनी थी। वो चली गई, बहुत दूर चली गई, जहां से कोई लौट कर नहीं आता है। लेकिन यकीन कीजिए अब भी वो बिल्कुल मेरे आसपास रहती है। कभी भी कहीं भी दिखाई दे जाती है, घर के किसी भी कोने से उसकी आवाज मेरे कानों को छूती हुई निकल जाती है। वो जाकर भी नहीं जा पाई और मैं छूट कर भी नहीं छूट पाया। उसकी खुशबू अब भी मेरे बिस्तर से आती है, उसकी आवाज अब भी मुझे लोरी सुनाती है। अब मैं कहीं और नहीं, बस उसकी यादों में रहता हूं। वो मुझ में मुझसे ज्यादा जिंदा है, मैं खुद में उससे ज्यादा मर चुका। तुम सुन रही हो ना पंजा? मुझे पता है तुम सुन रही हो। नींद का आना भी अब एक घटना है मेरे लिए। इतनी भी कोशिश कर लूं कब्बख्त नींद नहीं आती। एक समय ऐसा था कि यूं ही बैठे बैठे नींद आ जाती थी, वो भी इतनी गहरी कि उठकर अगर मीठे से मीठा सपना भी याद करने की कोशिश करूं तो याद नहीं आता था। पंजा की मां तो जलती थी मेरी इस नींद से, जैसे कि अब मैं जलता हूं उन लोगों से जो किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पर, पार्क में, स्टेशन में, कहीं भी घंटों मुंह खोल करके सो जाते हैं।
नींद तो मेरी पंजा को बहुत अच्छी आती थी। सर्दियों की ठंडी सुबह उसको उठाओ तो मेरे सीने से लिपट जाती थी। पापा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सोने दो प्लीज। लेकिन मैं एक अच्छा और जिम्मेदार पिता था, इसलिए उसको कभी स्कूल से छुट्टी नहीं लेनी थी। सुबह 7 बजे जाती थी, 11:30 बजे लौट कर आ जाती थी। पता नहीं कब बड़ी हो गई, 10 बजे जाती थी, 5:30 बजे लौट कर आती थी। लेकिन इस बार गई तो लौट कर ही नहीं आई। एक अजीब सा सन्नाटा घेरे रहता है। रात से सुबह तक की दूरी सदियों में पार करता हूं, मैं नहीं सोता, नींद कहीं दूर सोती है और सपने मेरे ठीक बगल से पीट करके निकल जाते हैं। चंदा अपनी चांदनी को थोड़ा कम फैलाओ, मेरी पंजा सो रही है, उथम मत बचाओ। बादलो तुम मत बरसना, थोड़ा थम के आओ, मेरी पंजा सो रही है, उथम मत बचाओ। रात भीगी ठंडी सी है, ठंड तुम भग जाओ, मेरी पंजा सो रही है, उथम मत बचाओ। सपनों तुम भी हौले हौले आहिस्ता से आओ, मेरी पंजा सो रही है, उधम मत बचाओ। पापा तुम लोरी सुना के मुझको मत सताओ, तुम्हारी पंजा सो रही है, शोर मत मचाओ। खबरदार जो कभी आइंदा पंजा की लाइन गई तो नहीं गाऊंगा। पर एक बात बताइए मुझे आप, कोई भी बच्ची इतनी बेतुकी लोरी सुन के सो सकती थी क्या? वो सो जाती थी। झूठ बोलना कितना अच्छा लगता है आपको। अरे अगर वो सो जाती थी तो लोरी पूरी कौन करता था? मैं सो जाता था। है? अभी भी सो जाइए ना, क्यों जाग के अपनी भी नींद खराब कर रहे हैं और मेरी भी। अरे अपनी बकबक बंद करो तभी सोऊंगा ना। हे ईश्वर, आपसे नहीं ऊपर वाले ईश्वर से कह रहा हूं। देखा, आज चाय बनाने की बारी तुम्हारी है। नाश्ते में आलू के पराठे, प्याज का रायता और वो हरी वाली चटनी होती ना, ग्रीन वाली, वो खाऊंगा। पुदीने की? हाँ पुदीने की। मैं तो चला मॉर्निंग वॉक पर, चलोगे तुम? चाय बनाने की बारी आज आपकी है, पिछले 4 दिनों से मैं ही चाय बना रहा हूँ। हरकत यदि करते हो, वरना कौन पीना चाहता तुम्हारे हाथ की घटिया चाय जहर जैसी। अरे कल रात को रूल तो आपने तोड़ा था, आप आए थे मेरे हिस्से में पहले, तो चाय आप बनाएंगे। साबित करो। रात गई बात गई, मैं तो चला ठंडी सड़क।
यही वो ठंडी सड़क है जहां मैं पंजा के साथ आया करता था। तालाब के किनारे सड़क पे चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर साथ ही इनके जैसा खुड़ूस हो ना तो भगवान ही मालिक है। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही तेजी में है आप। आपसे मतलब है? मैं तो रोज ही ऐसा चलता हूँ। नहीं, नहीं, थोड़ा दाएं बाएं देख लिया कीजिए। लोग बहुत तेज गाड़ियां दौड़ाते हैं यहाँ पे। समझ गया, बहुत अच्छी तरीके से समझ गया। सो इसमें इतनी नेगेटिव बात आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कमाल है। अरे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, मैं हमेशा नहीं रहूंगा आपके साथ रोड क्रॉस करवाने के लिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि रोज आप सड़क पार कराते हैं मुझे पिछले एक साल से। वाह वाह वाह, थैंक यू वेरी मच। सोईस भाई, एहसान जताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये अब बताइए, क्या कह रहे थे आप? नेगेटिव नेगेटिव मैं हूं या आप हैं? ये करके तुम्हें लोगों को क्या जाहिर करना चाहते हो कि मैं बुढ़ा हो गया हूं? आप नहीं हुए बूढ़े। हद मारो अपनी। ये आपकी हरकतें साबित कर रही हैं कि आप ना सिर्फ बूढ़े हो गए बल्कि सठिया भी गए। ये भगवान, 56 की उम्र में बस यही सुनना बाकी रह गया था। मैं इन्हें पिछले 7 सालों से जानता हूं। 7 साल पहले जब मैं इनसे पहली बार मिला था तब ये 55 साल के थे, अब ये 56 साल के हैं। अरे आप मेरी हर बात का गलत मतलब ही क्यों निकाल लेते हो 56 की उम्र में? मैं आपसे बात भी नहीं करना चाहता। नीच नीच और कमीने भी। ओ आप मेरी बेटी की मूर्खता और भोलेपन का नतीजा हो जैसे कि मैं आज तक भुगत रहा हूं। क्या कहा आपने? यकीन नहीं होता है आप मेरी पंजा के पापा हो। अरे मेरी मेरी क्या लगा रखी है आपने, और मुझे आपको यकीन दिलान की क्या जरूरत है कि मैं उसका पापा हूं? इतने प्यार से पापा कह करके बुलाती थी मुझे। पापा इतने दुखी मत होना, मुझे तो और जीना ही नहीं था सच में पापा। क्यों, जीवन तो तुम्हें बहुत सुंदर लगता है ना? हाँ लगता है ना पापा, पर इतने दिन बहुत थे, सब तो देख लिया। तेरी ऐसी बातें सुनकर मेरा मन फट जाता है बेटा। पापा पता नहीं क्यों पर मुझे पूरा यकीन है इस दुनिया के बाहर की जो दुनिया होगी ना बहुत सुंदर होगी। क्यों बार बार जाने की बात करती हो तुम? मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा बेटा? पापा आप अकेले कहां रहोगे? चंदन रहेगा ना आपके साथ। क्यों उस बेवकूफ को मेरे गले में बांधने की कोशिश कर रही हो तुम? पापा बस एक साथ, मेरा मतलब है मेरे जाने के बाद बस एक नहीं, साथ। नहीं जा रही हो तुम, यही रहोगी मेरे साथ। पापा पापा आप मेरे पापा हो ना, हो ना मेरे पापा। आज तक आपने मेरी हर बात को माना है, हर जिद को पूरा किया है। प्लीज पापा चंदन को मत पता चलने देना कि किस बात के लिए मैंने आपको जबरदस्ती तैयार किया है। मेरी आखिरी इच्छा मान के मान लीजिए। मेरी आखिरी इच्छा? क्यों निकाल रही हो अपने मुंह से ऐसी बातें मेरी बच्ची? अभी तो न जाने तुम कितनी जिद करोगी, मैं तुम्हारी सारी जिदों को पूरा करूंगा। ये बात बात पर मुझे सताना बंद कर दो। आज तक दुनिया में मैं किसी से इतना नहीं डरा जितना कि मैं तुमसे डरता हूं। अभी तो बहुत दिन हमको साथ रहना है बेटा, ये बात बात पर मुझे डांटना बंद कर दो। डांटू नहीं तो क्या करूं पापा, थोड़ी सी भी परवाह है आपको अपनी? दवा खाने की याद नहीं रहती लेकिन पीने बैठते हो तो उठने का नाम नहीं लेते, और जब पता है कि बिना मफलर पहने घर से बाहर निकलते हो तो ठंड लग जाती है तो क्यों ऐसे ही निकल आते हो? थोड़ी सी भी फिक्र है आपको अपनी? मैं याद ना दिलाऊं तो खाना भूल जाते हो, मैं नया कपड़ा ला के ना दूं तो नया कपड़ा अपने लिए लाते नहीं। सब कर लूंगा बच्चा, सब कर लूंगा, बस तू जाने की बात मत कर।
मीठे सपने मेरा इंतजार कर रहे हैं पापा। रोशनी दिख रही है सब दूर, सब कुछ बहुत सुंदर है पापा। मुझे एक बहुत बड़े काले पहाड़ के पीछे जाना है, पता है पापा? वहां आप मुझे फिर से मिलोगे, हम फिर से पंजा और पापा वाला खेल खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। पर पापा, अभी मुझे बहुत मीठी नींद आ रही है, मैं देर तक सोना चाहती हूँ, सो जाऊं? अपनी बच्ची को इस तरह से अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखना बड़ा तकलीफ दे होता है। जिंदगी मई की तेज धूप सी लगने लगती और ऊपर से ये मुसीबत। आज तक मैंने इसको इसलिए झेला क्योंकि मेरी बेटी मुझसे कह करके गई थी, लेकिन अब नहीं। आज एक साल पूरा हो चुका है, ये अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों को यूं अगल बगल में अपने पार्टनर्स के साथ बैठे देखता हूं। जीवन हाथ पकड़कर चलने से और भी सुंदर हो जाता है ना? मैं और पंजाबी तो एक दूसरे का हाथ पकड़कर ही चल रहे थे। वो मेरे हिस्से की गुलाबी धूप बन के आई थी, यही इसी जगह पर हमने न जाने कितनी शामें एक साथ बिताई थी। कितनी देर और लगेगी चंदन? बस थोड़ी देर और पंजा प्लीज। चंदन, वो बादल देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। हिलो मत पंजा। और वो फूल देखो, लग रहा है अभी आसमान में उड़ जाएगा। तुम तो देख ही नहीं रहे हो चंदन। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखना है पंजा। मैं चाहूं भी तो मुझे कुछ और दिखता ही नहीं है। क्यों चंदन, ये सब भी तो मेरा ही हिस्सा है और तुम्हारा भी, इसलिए मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं जा रही हूं। मेरा शरीर मरने वाला है पर आत्मा तो कहीं भी नहीं जाएगी। चंदन, हम सब एक हैं, जब तक तुम रहोगे तब तक मैं रहूंगी, हम हमेशा रहेंगे। चंदन, ये जो मैं अभी बोल रही हूं ना, ये भी हमेशा इस ब्रह्मांड में घूमता रहेगा, कुछ कहीं नहीं जाएगा। नहीं पंजा, तुम्हारी ये बातें मुझे कोई दिलासा नहीं दे पा रही हैं। कैसे जीऊंगा मैं तुम्हारे बिना? क्या तुम्हारे जाने के बाद भी सुंदर चांदनी रातें हो पाएंगी? ये फूल अपने आप खिल पाएंगे? हवाएं इतनी ठंडक कहां से लाएंगी पंजा? और मैं सांस भी ले पाऊंगा तुम्हारे बिना या नहीं? जरा सोचो, किसी एक दिन सुबह मैं सो के उठूंगा, इस पूरी दुनिया में तुम नहीं होगी, सब कुछ होगा बस तुम नहीं। मुझे तो तुम्हारे सिवा कुछ सोचता ही नहीं है पंजा। कैसे रहूंगा मैं? कहीं ऐसा ना हो कि मैं चलना ही भूल जाऊं, या फिर मुझे दिखाई देना बंद हो जाए, सब तरफ गहरा अंधेरा, और मुझे अंधेरों से बहुत डर लगता है पंजा। डरो मत चंदन, प्लीज डरो मत। सुनो चंदन, तुम डरोगे ना तो मेरा जाना मुश्किल हो जाएगा, मैं जा ही नहीं पाऊंगी।
पर क्या करें चंदन, जीवन तो ऐसा ही होता है ना। सच बताओ तो मुझे तो जीवन की सबसे सुंदर बात ही यही लगती है कि वो रुकता नहीं है, चलता रहता है। हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है। कई बार हम कहीं के लिए निकलते हैं और कहीं और ही पहुंच जाते हैं, पर वहां पहुंचकर हमें लगता है कि हम कितने सही पहुंचे। अभी कल ही की बात लो, तुम और पापा जब अस्पताल गए थे मेरी रिपोर्ट्स लेने, मैं घर पर अकेले बैठी थी। एक बहुत पुरानी दोपहर याद आई और मन हुआ कि रोशन पूरा चला जाए, तो बस मैं घर से निकल पड़ी। मुझे जाना था रोशनपुरा, पर पता नहीं क्यों मैं पहुंच गई 74 बंगले। पैदल चली, पुरानी पड़ चुकी एक इमारत के पास रुकी और पहली मंजिल पर पहुंच गई। एक उदास घर का दरवाजा खुला दिखा, एक चीकट हो चुका तख्त, तख्त पर मुरझाई हुई पालक और पालक के बगल में पीला पड़ चुका बच्चा। कमरे में गरीबी के साथ अंधेरा भी फैला हुआ था। तख्त पर एक बीमार औरत चुपचाप बैठी पालक काट रही थी। अंदर से भागती आ रही बच्ची मुझे देखकर डरी और सहम के दरवाजे के पीछे छुप गई। मुझे कुछ सूझा नहीं और मैं पूछ बैठी, भरत शर्मा यहीं रहते हैं क्या? ये नाम मैंने किसी किताब में पढ़ा था। औरत ने खेद जताया, जी नहीं, वो यहां नहीं रहते। इस बीच घर के बाकी लोग भी आ चुके थे। उन सब की आंखों में मेरे जाने का इंतजार था। मैं अंदर आ सकती हूं? इससे पहले कि वो कुछ कहते मैं अंदर पहुंच चुकी थी। आप कोई सर्वे करने आई हैं? घर के आदमी ने पूछा। मैंने कहा नहीं, और ना ही मुझे किन्हीं भरत शर्मा से मिलना है। फिर मुझे आप लोगों से मिलना है। वे सब अचकचाए से कमरे में अलग अलग जगह बैठ गए, लगभग मुझे घूरते से। आप लोगों को मुझ पर संदेह है क्या? अरे नहीं, दरअसल ऐसा पहले कभी हुआ नहीं ना। आप चाय पियेंगी? आदमी ने सकुचाते हुए पूछा। मैंने कहा हाँ, गुड़वाली मिलेगी। अचानक से कमरे में सब सहज हो गया। कुछ देर बाद बच्चा भी उठ गया, मेरी गोद में वो बहुत खुश था। चाय पीते हुए हमने ढेर सारी बातें की। जब मैं वहां से चलने लगी तो वे बोले फिर आइएगा, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मुझे भी। सीढ़ियां उतरते हुए मुझे पता था वे सब दरवाजे पर खड़े मेरा जाना देख रहे हैं। सड़क पर पहुंच के मैंने कदम बढ़ा दिए। मुझे जाना था रोशनपुरा, पता नहीं क्यों मैं पहुंच गई 74 बंगले। वाह, तुम्हें पता है पंजा तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती हो? क्योंकि तुम्हें दुनिया में कोई अपरिचित नहीं लगता। तुम्हें लगता है कि दुनिया का हर इंसान एक दूसरे को पहचानता है। ये कितनी सुंदर बात है पंजा। सच? अब मैं नाचूंगी चंदन। अचानक से बिना म्यूजिक के पंजा। मैं दुनिया का सबसे सुंदर संगीत सुन रही हूं चंदन। वो देखो, वो जो बादल तुमने दिखाए थे ना, अब वो ठीक हमारे ऊपर आ चुके हैं। कुछ देर बाद हम पर बरसेंगे चंदन। शरीर हमें बहुत सीमित कर देता है,
शरीर से मुक्त होके मैं सब दूर फैल जाऊंगी, कभी चांदनी बनके, कभी रात बनके, पंजा, कभी हवा बनके, कभी पानी बनके, पंजा, कभी नदी बनके, कभी समंदर बनके, पंजा। सच कहती थी वो, बहुत जल्द वो चांदनी बनके हर ओर फैल गई। अब मुझे अंधेरों से भी डर नहीं लगता, क्योंकि वो अंधेरों में भी है और उजालों में भी, दिन में रात में, हर दृश्य से अदृश्य होकर भी वो मुझे सबसे ज्यादा दिखाई देती है। वो कह के गई थी कि उसके जाने के बाद एक साल मैं उसके पापा के साथ रहूं। रह लिया, आज एक साल पूरा हो गया। आज मैं यहां से चला जाऊंगा, चलता हूं, आखिरी दिन है, बहुत सारे काम निपटाने हैं। छुप के मंदिर जाने की क्या जरूरत थी? आपको पता के जाता तो आप भी छुपक लेते मेरे साथ। मुझे पता है आप डरते हैं, कहीं वो मेरी सुन ना ले, मेरा भी कुछ भला ना हो जाए। हैं? जब आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, सारी चीजों को जानते हैं, तो इस बात को पूछने का मतलब। मुंह मत देखो मेरा, जाकर के जल्दी से नाश्ता बना करके लेके आओ। सुनो, मेरा चश्मा नहीं दिखाई दे रहा, देखा कि मैंने? मुझे क्या जरूरत है चश्मे की, मैं तो यंग हूं, मुझे तो सब दिखाई देता है। कहां रख दिया? यही रखा था। ढूंढो से ढूंढो। मैं जाके नाश्ता बनाता हूं, बहुत तेज भूख लग रही है। एक मिनट, ये जा ड्रामा करने की जरूरत नहीं, मेरा चश्मा निकालो। चश्मा निकालो मुझे। नाश्ता? अरे मैं बनाता हूं। हेलो जी, हाँ जी, ईश्वर प्रसाद अवस्थी जी का ही नंबर है। सर आप एक काम कीजिए, थोड़ी देर बाद फोन कीजिए ना, अभी वो थोड़े बिजी हैं। ओके। अरे भैया नाश्ता बना रहे हैं मेरे लिए, समझे आप? बन गया, लाई दीजिए। इतनी आसानी से मिलने वाला नहीं है, पहले वो सुनो, क्योंकि कल शाम से मैं तुमसे कहना चाहता हूं। मुझे पता है, और मैं भी आपसे कल रात से यही कहने की कोशिश कर रहा था कि मैं यहां पिछले एक साल से पंजा की मर्जी से रह रहा था, आज एक साल पूरा हो गया, आज मैं यहां से चला जाऊंगा। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, आज के बाद तो एक पल भी रहने नहीं दूंगा तुमको, मैं नहीं निकाल दूंगा तुमको इस घर से। रहना कौन चाहता है यहां पे, आपको पता नहीं यहां से निकल के कितने ऐश करूंगा मैं। मैं काम करूंगा, आप उतने नहीं कर पाएंगे, 56 के जो है। अरे मेरी उम्र के पीछे क्यों पड़े रहते हो तो? आप इतना खींच क्यों जाते हैं, मैं क्या गलत कह रहा हूँ कि आप सिर्फ 56 साल के? चुप नहीं हो सकते तुम, मुझे चैन से नाश्ता करने दो। मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे क्या पता, तुम खुद बनाओगे? कितने चालाक हो आप, मैं बनाऊ तो दोनों के लिए, आप बनाएंगे सिर्फ खुद के लिए? मेरा चश्मा किसने छुपाया था? रात को पेंटिंग किसने बिगाड़ी थी? ठीक है ना, हिसाब बराबर। आप अकेले कैसे खा सकते हो? कोई सरकारी आदेश है कि मैं अकेला नहीं खा सकता? थैंक गॉड आज आखिरी दिन है। हाँ, थैंक गॉड तो मुझे बोलना चाहिए। शाम को ठीक 6 बजे निकल जाऊंगा यहां से मैं। 10 बजे से पहले नहीं जाएंगे आप? क्यों? पंजा कह करके घंटों का हिसाब करने के लिए नहीं कह के गई थी पंजा? अरे तुमसे क्यों कह के जाती, वो मुझसे कह करके गई थी, उसकी वजह से साल भर झेला है मैंने तुमको। कुछ घंटों की वजह से अपनी बेटी का दिल नहीं तोड़ सकता मैं, बहुत प्यार करता हूँ उससे,
नाटक नहीं करता तुम्हारी तरह। बहुत तेज ठंड लग रही है, पंखा बंद करना पड़ेगा। तुम्हें बताया ना मुझसे गर्मी सहन नहीं होती, और खाना तुम्हें बिना पंखे खाई नहीं सकते। अरे आप खाना का खा रहे, आप तो नाश्ता कर रहे हैं। ये भगवान, तुम्हारे ये घटिया जोक सुन करके मेरा खून सूख जाता है। अरे टॉमी के लिए दो पराठे बनाए हैं, अगर खाना चाहो तो खा लो, पंखा चलाओ। टॉमी बगल वालों का कुत्ता है, मतलब आप कुत्ते के लिए नाश्ता बना सकते हैं लेकिन मेरे लिए नहीं। कुत्ता मत बोलो, से नाम है उसका टॉमी। टॉमी वो मुझे और मैं उसे बहुत प्यार करते हैं। किसी लायक है आप? आप तो इस लायक भी नहीं है। सॉरी टॉमी। एहसान फरामोश, टॉमी को सॉरी बोलने हैं, ये नहीं है मुझसे थैंक यू बोले। अब टॉमी के हिस्से का खाऊंगा तो उसी को सॉरी बोलूंगा ना, और वैसे टॉमी के हिसाब से नमक बहुत तेज है इसमें, कहीं उसका भी ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए। तुम इतने गिर कैसे सकते हो? यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समझे आप? अरे लड़का आज घर पे, आज छुट्टी तो नहीं है ना? नहीं, लड़की भी किताब लेकर के बालकनी में आ गई होगी। हाँ, और दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं, देखिए इशारेबाजियां। अरे ये लड़की इतने अच्छे से इशारे से इस लड़के को सब कुछ समझाती, इस लड़के के कुछ समझ में ही नहीं आता है, डफर कहीं का। बड़ी प्यारी बच्ची, कल मुझे पार्क में मिली थी। अकेली थी? नहीं, दोनों थे, दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। प्यार भी कितना मजेदार होता है ना। हैं? क्या हुआ? मुझे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा है। क्यों? मेरी और पंजा की बारी में तो आपने आसमान सिर पे उठा लिया था, और अचानक से प्यार अच्छा लगने लगा आपको। प्यार तो अच्छा ही होता है अगर दो करने वाले अच्छे हो तो, अगर एक भी तुम्हारे जैसा नकारा हो तो। कितने कड़वे हो आप। सेम टू यू। कौन है? अब फोन उठाऊंगा तो पता चलेगा ना किसका फोन है, पहले से कैसे बता दूं आपको। हेलो जी, आप ही के लिए थोड़ी देर पहले भी किया था इन्होंने। हेलो जी, मैं ईश्वर प्रसाद बोल रहा हूँ। हाँ जी, पहचान गए। नमस्ते नमस्ते, कैसे आप? तो एक काम करते हैं कि कल हम लोग मिल लेते हैं। मैं अभी आपसे बात नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी सी समस्या है, दरअसल घर पर कोई आया हुआ है, तो मैं आपसे बाद में फोन करता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। घर पर कोई आया हुआ है? अब आप फोन पे भी झूठ बोलने लगे हैं, क्या होता जा रहा है आपको? किसका फोन था ये? आपसे मतलब? आजकल ना आप मुझे बहुत संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त नजर आते हैं, बता रहा हूं। ये समाचार पढ़ना बंद कर दो। अरे 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 चंदन, चंदन चल 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 चल, लड़की जो है उस लड़के को इशारे से कुछ कह रही है, पीछे से उसकी मां आ रही है, पकड़ी जाएगी। बोलो 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 बोलो। अरे हाँ, वो लड़की की माँ ने उस रंगे हाथों पकड़ लिया है, अब उसके बाल पकड़ के उसको घसीटती हुई अंदर ले जा रही, मारती हुई। मुझे पहले थी बहुत दुष्ट नजर आती थी, बेचारी बच्ची रो तो नहीं रही है ना? अरे मार खाएगी तो रोएगी नहीं क्या? तो कुछ करो ना। तो मैं क्या करूँ, खिड़की से कूद जाऊँ क्या? भगवान, मैं उसको रोता हुआ नहीं देख सकता, अभी अभी तो बेचारी कितनी खुश थी। आंखें खोल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो लड़के ने इशारा कर दिया था, लड़की सब समझ गई थी। क्या कर रहे थे बच्चों की तरह? क्या किस्म की इंसान होता है, डराती है ना मेरे को। लेकिन एक बात है, मजा आ गया, लड़की बाल बाल बच गई। बाल बाल बच गई। आप खुश होते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। मैं बच्ची को दुखी नहीं देख सकता। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता है कि आप ही हैं। इसकी शक्ल पंजा से बहुत मिलती है। कहाँ मिलती है पंजा से इसकी शक्ल? आप कुछ भी कहेंगे तो मैं मान लूंगा क्या? पंजा का चेहरा गोल था, इस लड़की का चेहरा तो लंबा है। पंजा कितनी गोरी थी, ये लड़की थोड़ी सांवली है, और पंजा की नाक तो एकदम तीखी। आपका मतलब है वो आपकी वाली पंजा? बहुत याद आती है ना आपको उनकी। इसी बात पे वो पंजा के नाम वाली कहानी एक बार फिर से सुना दीजिए ना प्लीज। कितनी बार तो सुना चुका हूं। आखिरी बार
वैसे भी आज मैं यहां से चला जाऊंगा, और आप हर बार इतने अच्छे से सुनाते कि मुझे सुनने में पहली बार वाला मजा आता है। सच कई बार तो बिल्कुल बच्चों जैसी जिद करते हो। प्लीज 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 प्लीज। अच्छा चलो कुर्सी खींचो। हाँ पूछो। आपने पंजा का नाम पंजा क्यों रखा? फिर वही गलत सवाल। क्यों? पिछली बार भी तुमने यही गलती की। I'm sorry. एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने तो? पूछो। ये पंजा बड़ा अजीब नाम है, आपने पंजा का नाम पंजा क्यों रखा? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। मेरी एक प्रेमिका थी, उसका नाम भी पंजा था। अच्छा, तो सिर्फ इसलिए आपने बेचारी पंजा का नाम पंजा रख दिया? क्यों, ये वजह काफी नहीं है क्या? बड़ा अजीब नाम है। हाँ तो अजीब तो वो भी थी, बताओ उस जमाने में मुझसे मिलने के लिए घोड़े पर बैठ के आती थी, और वो भी साड़ी पहन के। वेरी इंटरेस्टिंग। और आप लोग पहली बार कहाँ मिले थे? दवा खाने में। उसे और मुझे, हम दोनों को चेचक हो गई। चेचक में भी वो आपको सुंदर लग रही थी? चेचक ने तो उसकी सुंदरता को बढ़ा दिया था, उसके गालों को देख के ऐसा लगता था जैसे कि आसमान में तारे टिमटिमा रहे हो। नहीं 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 नहीं, ऐसी अजीब कल्पना सिर्फ आप ही कर सकते हैं। नहीं सुना नहीं। क्यों? पहले तुम हमेशा यहाँ क्या करते थे? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। फिर मैंने कहा तो सही बहुत खूब। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया। और उसे? उसे भी। डॉक्टर के पास जाने से उसने मुझसे पहले कहा था, मैं तुम्हें प्यार करता। कहीं आप मन से तो नहीं बना रहे हैं सारी बातें? कोई भी पहली बार सुनेगा तो उसे यही लगेगा, लेकिन सच तो यही है ना। तो बड़ी बोल्ड थी। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। फिर भी आपको पसंद करती थी? पसंद करती थी, मरती थी मेरे पे। फिर क्या, हम रोज रोज मिलने लगे? चांदनी रातों में, दुनिया भर की बातों में। समय बीतता गया। समय के साथ साथ हम भी बीतते गए। वो बहुत अच्छे दिन थे। ये बहुत ज्यादा दिन नहीं चले। ये बहुत दुखद था। सच में था, बिछड़ने की घड़ी जो आ गई। पर क्यों? पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी। और आप मान गए? मानना पड़ा। मतलब शेर आप सिर्फ मेरे सामने ही है बस? किस्से का हिस्सा नहीं है। सॉरी। पहली बार मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मन का टूटना क्या होता है। जाहिर सी बात है, हमारी आखिरी मुलाकात का दिन था 14 अप्रैल। एक उदास दिन था। सूरज भी पूरा उगने से डर रहा था। बादल भी डर के कहीं भाग गए थे। हम कमला पार्क में मिले थे। वो नीली साड़ी पहने थी और मैंने पीली कमीज, और चारों तरफ कई रंगों के फूल खिले हुए थे। उसके चेहरे पर हमारी पुरानी मुलाकातों की यादें चिपकी हुई थी। वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन आप अपनी हंसी घर के हैंडपंप के पास छोड़ आए थे। बहुत देर तक हम ऐसे चुपचाप बैठे रहे। चुप्पी भी कई बार इतना कुछ कह जाती है ना, कि बड़े से बड़ा उपन्यास भी कहने से चूक जाता है। फिर वो अचानक उठ करके खड़ी हो गई। आपको लगा कि वो कुछ बोलेगी, पर मेरी आंखों में आंखें डाल करके देखती रही। उसका चेहरा एकदम श्याम सफेद होता चला गया। आप डर गए। और उसे अचानक अपने पर्स से एक लाल ब्रा निकाली और मेरे हाथ में पकड़ा दी और तेजी से वहां से निकल ली। इससे पहले कि मैं उसको अपनी जेब में रख पाता, तभी दूर से मुझे उसके खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। वो बोगनवेलिया के पेड़ के पीछे से छुप के आपको देख रही थी। उसकी वो खिलखिलाने की आवाज मुझे आज बार कई बार दिन में भी सुनाई पड़ती है, कई बार रात में। अब अगर कभी वो आपको मिल जाए तो आप क्या करेंगे? उसकी लाल ब्राउ से लौटा दूंगा। तो उनकी याद में आपने पंजा का नाम पंजा रख दिया। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। वाह, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, ओ मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रहन, ओ सारंगा
तेरी याद में। कमाल है ना, पूरा एक साल गुजार दिया मैंने तुम्हारे साथ। इसके लिए मुझे अपनी सहनशीलता पर गर्व है। पूरे साल में एक दिन नहीं बनी आपकी और मेरी। होता है होता है, कई बार दो लोगों के योग नहीं मिला करते। नहीं ऐसा नहीं है, क्या है कि जब कड़वाहट एक हद से ज्यादा आगे बढ़ जाती है ना तो मुश्किल तो होती है, लेकिन हाँ अगर आप उसे योग ना मिल पाना कहना चाहें तो कह लीजिए। ये योग वियोग की फिलोसफी मेरे सामने ना झाड़ो तो ज्यादा अच्छा है। पिछले एक साल में बहुत तकलीफ दी है तुमने मुझे, बहुत दुख दिया है। अपनी बेटी के लिए मर मर के छिलाए मैंने तुमको। क्या कहा आपने, मरमर के झेला है आपने मुझे? इतना बुरा हूं मैं, इतना गुस्सा है आपके मन में मेरे लिए, इतनी नफरत है आपको मुझसे? अब ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो, मेरे कहने का मतलब यह था कि ये साल कैसे गुजर गया कुछ पता नहीं चला। सच? देखिए ना, इन बातों में आपको एक इतनी इंपॉर्टेंट बात बताना तो मैं भूल ही गया। क्या? वो शर्मा जी मिले थे नुक्कड़ वाले, तो वो स्लम के बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। अरे जानता हूँ, पिछले 33 साल से पड़ोसी हूँ उनका मैं। वो कह रहे थे कि उन्हें उनकी स्कूल में एक अच्छे टीचर की सख्त जरूरत है। मैंने सोचा कि अगर मेरे जाने के बाद आप उन बच्चों को पढ़ा देंगे, उन बच्चों का इतना फायदा होगा, आपका इतना सारा नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस उन बच्चों को मिलेगा। चिंता मत करो मेरी, मेरी चिंता मत करो, मैं कर लूंगा जो कुछ भी करना होगा। तुम यहाँ से निकल लो, तुम बढ़ लो यहाँ से। जा ही रहा हूँ, सामान ही बांध रहा हूँ अपना, देख नहीं रहे आप? जा रहा हूँ, घबराइए मत, रुकूंगा नहीं, चला जाऊंगा। मैं तो घबराऊंगा, घबराओगे तुम जब जाकर के अकेले रहोगे ना, यहाँ पे तो बड़े मजे से रह रहे थे। अच्छा एक बार बताओ, तुम जाकर के दोबारा से उसी कबाड़ खाने में रहोगे? देखिए वो कबाड़ खाना नहीं, घर है हमारा, मेरा और मेरी पंजा का। पता नहीं इनकी संगत में रहकर के पंजा को क्या हो गया था, इतना गंदा घर रखती थी, ढेरों किताबें, पुराना फर्नीचर और छींट लगे रंगीन पर्दे। ऐसे घर को आर्टिस्टिक घर कहते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि आपका सौंदर्य बोध तो दिख रहा है आपकी दीवारों पे टंगा हुआ, वो रहा वो शिप और वो घर, वाह 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 क्या बात है। फिजिक्स के बारे में कभी कुछ कहा तो? आप कहें तो सही और मैं कहूं तो गलत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीख जाओगे सीख जाओगे, तजुर्बा सब कुछ सिखा देता है। यही धूप में बाल सफेद नहीं किए मैंने। रंगते क्यों इनको आप? अरे हर बात को एक ही डायरेक्शन में क्यों ले जाते हो तुम? और किसने कहा कि मैं अपने बाल लगता हूँ? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, रंगते आप अपने बाल। पहले हिलूंगा भी नहीं मैं, आप ही ने कहा था। तू कितने घटिया किस्म के आदमी है? आदमी आप है, मैं लड़का हूँ अभी। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। यहाँ किसे शौक की शक्ल दिखाने का? भगवान के लिए चुप नहीं हो सकते तुम? ईश्वर के लिए हो सकता हूँ, हो जाओ। लीजिए पानी पीजिए। अरे नहीं पीने मुझे, अपने रिश्ते में चलो। अरे पानी पी भी गुस्सा दिखाएंगे क्या आप? पानी पीजिए, चलिए पानी पीजिए। ये लोगों के सामने जरा भोले बनने की कोशिश मत करना तुम। अगर आज के बाद कभी मेरे बाल लगने वाली बात कही ना तो मुझसे ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा। मुझे देखो, मैंने बताया लोगों को कि 15 साल की उम्र तक तुम बिस्तर गीला किया करते थे। 8 साल की उम्र तक? कितने विंडिक्टिव हो आप। एक नंबर के बदलाखोर। अरे सारे बच्चे करते हैं। भगवान, पंजा ने बताया होगा आपको? पंजा ने बताया होगा। आपने मेरी वो ऑलिव ग्रीन शर्ट देखी क्या कहीं पे? मेरे पास यही काम है ना कि तुम्हारी कमीज संभालता बैठूं। सॉरी गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मैं ढूंढ लूंगा। कोई फ्लेव इंडिया वाली ना? जी
जिसे तुम 10 बार पहन करके 1 बार धोते थे ताकि उसकी चमक ना कम हो जाए ना। हाँ वही वाली, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा, आप परेशान मत होइए, होगी है ना, कहीं मिल जाएगी। वही ना जिसके ऊपर से दूसरे नंबर का बटन टूटा हुआ था। हाँ एग्जैक्टली वही वाली, बताइए ना कहाँ रखी है। अरे मुझे क्या पता, यही कहाँ है क्या मेरे पास। आप ना किसी के भी सब्र का इम्तिहान लेने के लिए बने आखिरी पैमाने हैं, पता है आपको। थैंक यू वेरी मच, आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, गम नहीं गम नहीं गम नहीं। हमने तुमको प्यार किया है जितना, ये वाला नहीं, कौन करेगा इतना। ये वाला आपके मुंह से बड़ा अजीब लगता है। अरे चालाक मत बनो, इतना ना 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 से गाओ ना। टीरी डीरी डिंग टिंग, टीरी डीरी नहीं, इतना ना ना करते, टीरी डीरी डिंग टिंग, ना ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। सारंगा तेरी याद में कर बैठे, था आया ना, आप था से गाएंगे ना। मैंने हुए बेचे, नहीं आता है ना आपको, तो पुराने वाले मिला के और ये वाले मिला के 836 पॉइंट कैसे, क्यों जब तुम्हें मालूम है कि मुझे ठासा गाना नहीं आता तो बार बार ठापे लाके के छोड़ते हो। और पिछली बार तुमने कहा था अगर ठासे खत्म हो तो मैं सासे गा सकता हूं। मैंने कहा था, इधर देख के गई, इधर देख के गई, मेरी तरफ देख के गई, मैंने कहा था। हां और क्या, कब कहा था? अच्छा क्यों कहूंगा, अगर तुम भूल जाओ क्यों कहूंगा, अगर आप पे ठाएगा तो कुछ ठासे गा, मैं क्या मालूम, जो आपसे कहूंगा कि ठाएगा तो सासे गई। हां झूठे गई के, अगर झूठ कोई खेल होता ना उस खेल के सचिन तेंदुलकर बनते आप, पता है। नहीं नहीं, मैं तो गावस्कर होता, तेंदुलकर आप ही होते। इस पे भी कोई कुछ भी होता, आखिरी गेंद पे छक्का यही मारते, पैर बाहर निकाल के और गेंद स्टेडियम से सीधे बाहर। बोले ठ से नहीं आता है तो स से गा सकता हूं, क्यों कहूंगा ऐसे मैं। वैसे एक बात सच है, बिल्कुल सही कहा आपने, साल कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। मेरे दिल से पूछो, अभी तो आपने ये बात खुद ने कही थी। मैंने कही, आपको याद नहीं? मैंने कही थी, मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मैंने आपकी तरफ देखा था और आपने ऐसे मुस्कुरा के मेरी तरफ, तुम्हारे जो मन में आएगा वो तुम बोलते चले जाओ। फिर से बातें बना रहे हैं, फिर से झूठ बोल रहे हैं। मैं क्यों झूठ बोलूंगा भाई? आप एक बात, मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मैंने आपकी तरफ देखा था, आपने कहा था। एक मिनट रुकिए, इन लोगों को सब कुछ याद है, पूछवाऊं इनसे मैं? बोलिए पूछवाऊं? ठीक है, अब मेरी सोच बदल गई। हाँ बड़ी जल्दी बदल गई सोच आपकी। मन की तो ऐसी बदलती है, प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम करने से अपने ऊपर काबू रहता है। काबू, क्या बात है। क्या कर रहे हैं आप? हेलो रुक जाइए, ये आप है ना, चेस्ट से सांस ले रहे, चेस्ट से नहीं पेट से सांस ली जाती है। अपनी गंदगी उठाओ, निकल ले यहां से। चला जाऊंगा, सामान ही बांध रहा हूं, देख रहे हैं आप। लेकिन आप पहले इसको ठीक से कीजिए ना। क्या है देखिए, अगर आप चेस्ट से सांस नहीं लेंगे ना, अगर आप ये भी मुझे सिखाओगे तुम? अरे नहीं सिखाऊंगा, आप मुझसे इतने बड़े, आपको कोई क्या सिखा सकता है। लेकिन एक छोटी सी बात आप नहीं समझ रहे, ये गलत तरीके से किया हुआ प्राणायाम ना आपके इंटरनल ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाएगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे क्या हो गया है आपको? मत भूलिए आप एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, बन जाके जाते ही आप बिल्कुल कहां गई सारी शापते साहब की। आज मेरा अपने, हां तो फिर आप पहले सीखिए उसके बाद कीजिए, मैं कोई अच्छा टीचर बुलवा देता हूं। अरे चुप नहीं हो सकते तुम, तुम्हें पता ही सीखी से मैं तुमको चैन कर पाया हूं आज तक, कितनी ताकत मिलती है मुझे इससे। गलत करने से इतनी ताकत मिलती है, आप सही करेंगे तो कितनी ताकत मिलेगी सोचिए। वो लड़की कपड़े सुखाने के बहाने बाहर बालकनी में आ गई है, तो लड़का भी किताब लेकर के बालकनी में आ गया होगा। हाँ, और दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं। भगवान इन दोनों को जल्दी से मिलवा दे, इस दुनिया में कोई अकेला ना रहे। आपको अकेलेपन से बहुत डर लगता है ना? तो नहीं लगता क्या? नहीं, मैं अकेला हूं ही नहीं, मेरी पंजा हर वक्त मेरे साथ रहती है। मेरी मेरी क्या लगा रखी है, सब जानते हैं वो मर चुकी है। मेरे लिए नहीं, मेरे लिए वो पहले से ज्यादा मेरे साथ रहती है, बल्कि मुझ में रहती है, सच कह रहा हूं। सपनों की दुनिया में जीना किसी अच्छा नहीं लगता, तुम भी जीना चाहो तो जियो, नियति पर किसी का बस नहीं चलता। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो अपनी गति से चलता रहता है, उसे किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता।
मुझे ही देख लो, अपनी खुशी के पल बचा करके रख पाया क्या? पूरा जीवन भागते हुए ट्रेन से गुजर गया। क्यों ऐसी डिप्रेसिंग बातें करते हैं आप? क्यों ऐसे क्यों मेरी तरफ आते हो तुम? कितनी बार कहा है अपने हिस्से में आकर, उधर चलो। हाँ जी, आज मैं, आपने न जाने कितनी बार मेरे हिस्से में पैर रखा, मैंने तो कुछ नहीं कहा आपसे। मुझे तुम्हारी यही आदत सबसे ज्यादा बुरी लगती है, हर बात पर तुम उसे बराबरी क्यों करते हो? सॉरी, मैं तो भूल ही जाता हूँ, मुझे आपकी उम्र का लिहाज करना चाहिए। कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, सारी जिंदगी कौए की तरह से दूसरों की उम्र के ऊपर निगाह बढ़ाए बैठे रहना। इस तरह के उदाहरण में कौए की नहीं गिद्ध की नजर की बात की जाती है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। सॉरी सॉरी। भूख तो नहीं लग रही आपको? कुछ खाएंगे? कुछ अपने लिए बनाओ तो मेरे लिए भी बना लेना। वैसे बारी आपकी, आज आखिरी दिन है, कुछ तो दिल बड़ा कर लो। पर अच्छा तो आप ही बनाते। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा? ओ जल्दी जल्दी मेरे कान में बता ना, क्या कहा? अच्छा तो आप ही बनाते। थैंक यू, स्वाद तो आप ही के हाथ। थैंक यू वेरी मच। कम से कम जाने वाले आखिरी दिन आपके मुंह पर कुछ सच्चाई तो आई। सुनिए ना, आज आखिरी दिन सब कुछ भुला के एक अच्छी सी पार्टी करें पापा। अरे पापा मत बोलो मुझे, आई डोंट लाइक दिस। सॉरी, गलती से निकल गया था मुंह से बस। चलो लाइट, एक पार्टी तो बनती है। ये हुई ना बात, फ्रिज में ठंडी बियर भी है। नहीं, मैं तो रम पीऊंगा। दिन में क्यों? किसी किताब में लिखा है कि दिन में रम नहीं पी जा सकती? आपको चढ़ जाती है ना? मुझे चढ़ जाती है? तुमने कभी दिखा है मुझे नशे में? हमेशा। शर्म नहीं आती तुमको इस तरीके की तोहफत रूट में लगाते हुए? मेरी इस घर में कोई इज्जत है कि नहीं है? आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप ना सच्चाई का सामना नहीं कर पाते, आपको चढ़ जाती है और हमेशा चढ़ जाता है। अरे मेरा करेक्टर एसोसिएशन करेगा तू? अबे तू है कौन? मेरी बेटी की वजह से मेरे साथ 13 साल भर से, वजह तेरी औकात नहीं मेरे सामने खड़े होने की। करेक्टर एसोसिएशन करेगा मेरा। मुझे नहीं रहना है आपके साथ, जा रहा हूं मैं। बटर और रुमाली रोटी का ऑर्डर दे चुका हूं मैं। तो मैं क्या करूं? उसे खाए बिना गए तो अच्छा नहीं होगा। अरे वो आपका दोस्त है ना टॉमी, उसको बुला लीजिएगा, खुश हो जाएगा वो भी। एक मिनट, मैं आपकी किसी चाल में फंसने वाला नहीं हूं। आप यही चाह रहे थे ना कि मैं पंजा के बताए हुए समय से पहले यहां से चला जाऊं? हैं? नहीं जाऊंगा। कबाब, कबाब मंगाए या नहीं मंगाए आपने? मैं अपना सारा काम परफेक्टली करता हूं, मंगाए हैं कबाब भी मंगाए हैं। सुनिए, अब आपने इतना सब कुछ मंगवा ही लिया है तो सब कुछ भुला के एक अच्छी सी पार्टी कर देना। बर्फ जो है वो जरा देख लेना, जरा ठंडी और हरी वाली बोतल लेकर के आना। हरी वाली बोतल लेकर के आना, जरा मुझे और देख लेना कोई नमकीन नमकीन अगर रखा हो तो। जी जी जी, मेरे खाते शायद है नहीं है ना। कोई जरूरत नहीं है, सब 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 आ गया, सब आ गया। आप परेशान मत होइए बस। चलो चलो ठीक है।
मैं बनाता हूँ। अरे मैं बनाता हूँ। हेलो जी, मैं ईश्वर प्रसाद अवस्थी बोल रहा हूँ। अबे नहीं जाना मुझे चार धाम की यात्रा पर, क्यों मेरे पीछे पड़ा है तू? अरे आज से तो मेरे मस्ती मारने के दिन शुरू हुए। देख 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 घड़ी में, देख देख दिन का कितना बजा है, और ये ना मेरे हाथ पर रम का पटियाला पैक, और ये डाले मेरे उसमें दो आइस क्यूब। अब बोल तू क्या, तेरे दादाजी आकर के मुझसे माफी मांगेंगे? आज के बाद कभी फोन किया ना तो पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा मैं। कोई मजे ले रहा है मेरे आपसे पंगा ले रहा? बताइए कितने अजीब लोग होते हैं दुनिया में। माफ कर दो, माफ कर दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये हमारे संस्कार है। मैं भी करूं? हाँ। अब आप हाथ एक बार हाथ उठा। अरे ये अरे गुदगुदे नहीं नहीं गुदगुदे मत करो। नहीं नहीं ये होती है, अगर आदमी को बुखार हो और गर्म पानी के साथ अगर रम पिए ना तो बुखार उतर जाता है। और तुम मुझसे कह रहे थे ना कि दिन में रम डाल। हां 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 करो देखो। अरे ओहो मेरे गिलास में आपका अपने को कंट्रोल करता है। और ये पानी गर्म का पान मत पे किसी को डाल लीजिए ना। ओहो एक आदमी बात कर, एक दिन मैंने भांग पी ली, वो ऐसी चढ़ गई मेरे को, ऐसी चढ़ गई मेरे को, उसको बाद में पता लगा कि बूरा और दही मिला के खाओगे तब जाकर के उतरेगी। तो मेरी जगह बैठे हुए तो क्या फर्क पड़ता पापा? अरे पापा मत बोलो मुझे, नहीं पापा नहीं, नहीं तू आउट दे रहा हूँ। ओके पापा, ओके पापा। सच कहती थी पंजा, हम इंसानों की शक्ल ना अलग अलग दिन अलग अलग जानवरों से मिलती है। जैसे आज आपकी शक्ल एकदम शेर से मिल रही है। और तुम्हारी खरगोश से। कमाल है ना, हर बार अलग अलग जानवर से शक्ल मिलती है। पिछली बार तो आप कितना गुस्सा हो गए थे क्योंकि तुमने मुझसे सियार कहा था। तो आपने भी मुझे गीदड़ कहा था। आज आखिरी दिन है, कोशिश करते हैं कि झगड़ा ना हो। वैसे आपको ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। बारिश हो रही है, अगर थोड़ी तेज होगी तो सड़क पर पानी भर जाएगा। तो भर जाएगा तो भर जाएगा, तो तुम जाओगे कैसे? ये बात है, घबराइए नहीं, रुकूंगा नहीं, चला जाऊंगा। मुझे तैरना आता है। तैर के जाओगे? पानी जमा हो जाएगा तो तैर के ही जाना पड़ेगा ना। और तैर के जाओगे तो फिर ठीक है, मेरी जिंदगी में सब कुछ सीखा लेकिन मैं तैरना नहीं सीख पाया। क्यों? मुझे पानी से बहुत डर लगता है। सॉरी। आपको किसी चीज से डर लग सकता है, यकीन होना थोड़ा मुश्किल है ना, इसलिए सॉरी सॉरी। मुझे तो लगता था पानी कोई आपसे डर लगता होगा। अरे वाह, अरे सॉरी। क्यों क्यों डर लगता है आपको? मैं बहुत छोटा था, पता नहीं वो एक सपना था या हकीकत, लेकिन एक बार मैं एक कुएं की सीढ़ियां उतरता चला जा रहा था। मैं जितना नीचे उतरता कुआ उतना गहरा होता जा रहा था। धीरे धीरे रोशनी कम होती चली गई, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, लेकिन मैं रुका नहीं, मैं चलता चला गया। बहुत देर चलने के बाद अचानक मेरा पांव किसी चीज से टकराया।
मैंने नीचे झुक कर देखा तो वो एक चमकदार चाबी थी, मैंने उसको उठा लिया। थोड़ा और चलने के बाद मुझे एक चमकदार ताला दिखाई दिया। मैंने बिना सोचे समझे इस चाबी से उस ताले को खोल दिया। मैंने जैसे प्रवेश किया मेरी तो दुनिया ही बदल गई। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, चांदी के पहाड़, सोने के पेड़, भले मन की स्त्रियां और देवताओं की शक्ल वाले बच्चे। दुनिया इतनी सुंदर भी हो सकती है ये मैंने तो पहले कभी सोचा ही नहीं था। जो कुआं बाहर से इतना अंधकार में दिखाई पड़ रहा था वो अंदर से इतना प्रकाशमान निकला कि मैं तो भूल ही गया कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं। मैंने वहीं रहना शुरू कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन ऐसी एक सुहानी सुबह मैं एक कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ दिव्य फल खा रहा था, तभी मुझे दूर नदी में एक नीली जलपरी दिखाई दी। मैं उसकी सुंदरता देख करके दंग रह गया। मैं उसके पीछे दौड़ा, नदी में कूद पड़ा। थोड़ी देर बाद मुझे याद आया कि मुझे तो तैरने नहीं आता, लेकिन तब तक तो बड़ी देर हो चुकी। मेरे अंदर पानी भरने लगा, मेरा जी घबराने लगा, मैं मतलब बेहोशी तक पहुंच गया। तभी अचानक मेरा सिर किसी चीज से टकराया और शायद मेरा सपना टूट गया। वाह, कितना सुंदर और रोमांचित कर देने वाला सपना है आपका। मैं इसको पेंट करूं? मेरा तो पैक खत्म हो गया। अरे तू, मैं आपके लिए आइस लेके आता हूं। मेरे तो कोई सपना नहीं देगा। मुझे इस तरीके के झूठे सपने सुनाने में बहुत मजा आता है। ये बात अलग है कि कई बार सपना सुनाते सुनाते मैं खुद उसकी हकीकत में यकीन करने लगता हूँ और रोमांच के मजे लेने लगता हूँ। ये सपनों वाला खेल खेलना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक बात और, मैं बहुत अच्छा तैरा था। यार, मैं बनाऊं? तो नकारा और नाकामयाब होते हुए भी असीम संभावनाओं से भरे हुए हो। थैंक यू। जैसे कि? जैसे कि तुम बहुत अच्छे वेटर बन सकते हो। यू आर सो मीन। अरे वाह, तूने मेरा डबल पटियाला बना दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। एक रुकी रुकी रुकी, वो ज्यादा है, इसमें डाल दीजिए। अरे नहीं नहीं, अरे छोड़, अरे बहुत, यही तो लाइफ के असली मजे हैं। देखिए, आज मैं चला जाऊंगा, अकेले रह जाएंगे आप। दिन में लाइफ के ऐसे मजे बार बार लेना कई बार बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये लेक्चर मत दो मुझे, 10 बजने वाले हैं, निकल लो यहां से। बढ़ लो। जा रहा हूं। और ये निकल लो बढ़ लो, ये कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं आप? उससे थोड़ा ठीक से बात किया कीजिए प्लीज। चुटकी बजाना बंद कीजिए। क्यों करूं? मेरा घर, मेरा कमरा, मेरा मन, मेरी चुटकी, मैं तो बजाऊंगा, तुम बोलो। बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, सुन पाएंगे क्या? जाने दीजिए, मत आखिरी बार मेरा मुंह खुलवाइए। बजाई। अब आप चुटकी ही बजाइए, मुझे नहीं रहना है आपके साथ। दम घुटता है मेरा गंदी और भैया हरकतों से आपकी। अब मुझे पंजा के बताए हुए समय का भी इंतजार नहीं कर रहा है, जा रहा हूं मैं। अरे मुझे एक बार बताओ, ये कैप तुमको बहुत पसंद है ना? हेलो, बहुत पसंद है ना? देखिए, अगर आप चाहते ना कि मैं आपकी बात का जवाब दूं तो सबसे पहले चुटकी बजाना बंद। अरे चलो, चुटकी बजानी बंद कर। ये बताओ, ये कैप तुमको बहुत पसंद है ना? तो फिर तुम इसे पहनते क्यों नहीं हो? पता नहीं, पापा की बस एक यही याद बची है पास में। यादें ही एक ऐसी चीज होती है जो कभी बीच में साथ छोड़ के नहीं जाती। सच कहा आपने। यादें ही सबसे अच्छी होती हैं, हमेशा साथ रहती हैं। देखिए ना, ये जो पल हम लोग एक साथ बिता रहे हैं, कल ये पल नहीं रहेंगे, लेकिन इनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। क्या पता आज से महीने दो महीने बाद गोवा या किसी सुंदर बीच पे बैठ के मैं इन पलों को याद करूं।
जीवन सच में बहुत विचित्र होता है। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, पता नहीं बाद में मौका मिले ना मिले। मेरा बचपन बहुत अकेला बीता, मां को हमेशा बीमार पाया और पापा को हमेशा खुद को डांटते। मुझे उनसे बहुत डर लगता था। जब कमरे के अंदर आते थे तो मैं अपने कलर्स पेंट ब्रश वगैरह छुपा के और सोने की एक्टिंग करने लग जाता था। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक सब कुछ नियम से बंधा। दरअसल मेरे पापा ने अपने आर्मी के रुतबे को इतना गहरा पहन लिया कि उससे अलग कभी वो मुझे दिखाई नहीं दी। उन्हें लगता था कि प्यार इंसान को बिगाड़ देता है, बताइए, इसीलिए उन्होंने कभी किसी से प्यार नहीं किया। मैं एक बहुत डरा हुआ बच्चा था। मन को अगर कुछ अच्छा लगता था तो बस आसपास दिखने वाले रंग। आंखें खोलते खिड़की से बाहर दिखने वाले बादल मुझे पता है क्यों अच्छे लगते थे, क्योंकि वो घड़ी देख के नहीं आते थे। पेड़ यूं ही हिल जाते थे हवा में बिना किसी से डरे। घर के पास बहती नदी को तो मैं घंटों एक टक देखता रहता था। लहरों को बेबाकी से बहता देख के मेरा मन एक अजीब सी खुशी से भर जाता था। मेरा घर ना पहाड़ की तलहटी में था, तो जहां तक नजर जाती थी बस लैंडस्केप्स ही लैंडस्केप्स नजर आते थे। सब कुछ सुंदर दिखता था, पर पापा को रंगों के प्रति मेरे प्यार से गहरी नफरत थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, हम लोगों के बीच की दूरियां और बढ़ती गई। बताया आपको, आपकी और पंजा की दोस्ती को देख के मुझे बहुत अचरज होता था। ऐसी दोस्ती मेरे पापा से मेरी कभी हुई नहीं पाई। फिर मैं यहां आपके साथ रहने लगा। इतना कुछ सीखा मैंने आपसे, इतना कुछ पाया। समझ गया समझ गया। अपने जाने वाले आखिरी दिन ये सब कुछ कह के जाने के लिए तुमको पंजा कह के गई होगी। नहीं तो पंजा क्यों कहती? आपको ऐसा क्यों लगा कि पंजा ने कहा होगा? क्योंकि मैं तुमको भी जानता हूं और पंजा को भी। ये बहुत गलत बात है। आज मैं बहुत दिल से निकली हुई बात कह रहा था आपसे। मैं अब नाचूंगा पंजा। अचानक से बिना म्यूजिक के आप क्यों नाच रहे हैं? आप प्लीज बैठ जाइए। इस तरह से बिना म्यूजिक के नाचते हुए आप बहुत अजीब लग रहे हैं। तुम भी आ जाओ, तुम्हारे जाने का सेलिब्रेशन बिना म्यूजिक का। खुशी को किसी के सहारे की जरूरत नहीं हुआ करती। एक बात बताइए मुझे आप, सच सच, क्या मेरे जाने का आपको बिल्कुल दुख नहीं होगा? दुख? मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूं तुमसे पीछा जो छूट रहा है। वाह, तुम अपनी बताओ। मैं तो इतना खुश हूं कि क्या बताऊं। गॉड इज ग्रेट। मैं यूं ही तुम्हें नकारा नहीं कहा करता। मुझे नहीं नाचना है आपके साथ। एक तो बिना म्यूजिक के नाचो इनके साथ, ऊपर से इनकी बकवास सुनो। मत नाचो, नुकसान तुम्हारा ही होगा।
क्या नुकसान हो जाएगा मेरा? तुम मेरे साथ नाचने से वंचित रह जाओगे। वंचित? वंचित? आपके ओवर कॉन्फिडेंस की जय हो। आपका वार खाली चला जाता है तो कितना खींच जाते हो ना आप। अब ये बात बात में मेरी मजे लेना बंद करो। आज तुम चले जाओगे, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। देखिए, मैंने आपको थैंक यू इसलिए नहीं बोला पापा कि बदले में आप भी मुझे थैंक यू बोले। पापा मत बोले मुझे, पहले वो सुनो जो कि मैं आज तुमसे कहना चाहता हूं। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। आप दोनों को? मतलब मैं समझा नहीं। आपको और आपकी पंजा को। ये पंजा के लिए किस तरह से बात कर रहे हैं आप? वो ये बिना जाने चली गई कि मुझे उससे क्या शिकायत थी। जिस दिन मुझे बताना चाहता था उसी दिन पता चला कि उसे कैंसर हो गया है, बता नहीं पाया। आज तुम चले जाओगे तो मैं चाहता हूं कि तुम जान दो कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है। मैं ही क्यों अकेला झेलूं इस बोझ को। बोली बोलिए बोली, मैं जानना चाह रहा हूं। मुझसे शिकायत है, ये बात तकलीफ नहीं दे रही मुझे, लेकिन पंजा से? तुम लोगों ने मुझे किनारे कर दिया था। जब से तुम उसकी जिंदगी में आए थे वो मुझे भूल गई थी। एक पल भी उसने मेरे बारे में नहीं सोचा। मेरी माने तो एक पल भी ऐसा नहीं बीता होगा जब उसने आपके बारे में नहीं सोचा होगा। लेकिन जीवन के हर रंग को जीना भी तो जरूरी होता है ना। जरा सोचिए, अगर प्यार किए बिना चली जाती तो कितनी सूनी जाती वो। आपसे बहुत प्यार करती थी आपकी पंजा। मेरी कहां बची थी वो? वो तो पूरी की पूरी तरह तुम्हारी हो चुकी थी। बचपन में मेरी उंगली इतना कस के पकड़ती थी कि कहीं मैं न खो जाऊं। रात को सोने से पहले अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे गालों को सहला के कहती थी, पापा मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मेरी तो वो पूरी जिंदगी थी चंदन, लेकिन जब से तुम उसकी जिंदगी में आए थे तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे साथ रह नहीं रही थी, सिर्फ तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी। जैसे कि प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए लोग आने वाली ट्रेन का इंतजार करते हैं और आते ही झटके से उसमें बैठ करके चले जाते हैं, एक बार भी प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं सोचते। वो इतनी पत्थर दिल थी, मुझे नहीं पता था चंदन। कैसे कैसे सोच सकते हैं आप ये सब? पंजा के लिए प्यार से पापा कह के बुलाना भूल गए क्या? क्या आपको अब भी उसकी आवाज अपने कानों में सुनाई नहीं देती? नहीं देती। एक अजीब सा सन्नाटा घिरे रहता है। उसने खुद को मुझसे दूर कर लिया था। मैं कभी माफ नहीं कर सकता तुम दोनों को। कितनी मतलबी निकली वो, आज भी उसकी आवाज तुम्हें सुनाई देती है, मुझे नहीं। आज भी मरकर वो तुम्हारे साथ है। मुझे तो न जाने उसने कब पर छोड़ दिया था। गलत, उसने नहीं, आपने आपने छोड़ दिया था उसे, क्योंकि आपकी छोटी सोच इतनी हावी है आप पर कि आप उसका होना महसूस नहीं कर पा रहे। दुर्भाग्य है आपका, वो तो हर जगह है, यहां वहां मुझ में आप में। जब तक हम रहेंगे तब तक वो रहेगी, हम हमेशा रहेंगे चंदन, ये कहती थी वो। लेकिन अभी अभी आपने ये जो बोला है ना, ये बोल के आपने सब कुछ बहुत छोटा कर दिया है।
जानना चाहते हैं क्या थे पंजा के लिए आप? पापा, तुम कितने अच्छे हो, बिल्कुल उस पीपल के पेड़ जैसे जो अपने पत्तों की छांव से बचा लेता है पूरी दुनिया को धूप से। पापा, तुम कितने अच्छे हो, बिल्कुल उस नदी जैसे जो बिना सोचे बहती रहती है निरंतर सबके लिए। पापा, तुम कितने अच्छे हो, बिल्कुल मेरे अपने, जो मुझे इस एक दुनिया में जाने कितनी दुनिया दिखा देते हो यूं ही बातों बातों में। मैं अपने मरने का क्या शोक मनाऊं, मैंने तो हजारों दुनिया जी ली है आपके साथ। पापा, हर जन्म में आप ही मेरे पापा बनकर आना और अपनी प्यारी लोरी सुनाकर हर रात मुझे जगाना। अगली बार के इंतजार में सिर्फ और सिर्फ आपकी पंजा। ये अपनी मौत से 4 घंटे पहले बोल कर लिखवाई थी उसने मुझसे। मैं उस वक्त मंदिर में बैठा था, शायद शायद याद नहीं। उस दिन की बातें बहुत धुंधली दिखाई देती, बस इतना याद है कि हर जन्म में आपको पाने की आस उसकी आंखों में मुझे तब भी नजर आई थी जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मैं उसे देख नहीं सकता था, उसकी सांसों की आवाज दूर होती जा रही थी। अपने आखिरी समय में उसने धीरे से कहा था, पापा। तब तक मुझे सुनाई देना बंद हो गया था। फिर उसकी सांसें बहुत देर खिड़की के बाहर लगे बोगनवेलिया के पेड़ पर बैठी रही। वो पतझड़ के दिन थे और बोगनवेलिया पर पीले रंग के फूल खिले हुए थे। उस दिन शाम ही नहीं होती, सीधे रात हो गई थी। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं सुनाया चंदन? सुनाना चाहता था पर हिम्मत नहीं पड़ी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है चंदन। मुझे लग रहा है जैसे कि आज पहली बार। आप चुप हो जाइए प्लीज। चंदन, आदमी उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसका शरीर खत्म होता है, बल्कि उस दिन जिस दिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ देता है, बल्कि उस दिन मरता है जिस दिन आपके अंदर उसका कोई एक हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चंदन, मुझे लग रहा है कि आज 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 मैं देना भूल गया तो आज आपने दवा भी नहीं खाई। आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। रख लूंगा, आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। आप ठीक तो है ना? चलिए, मैं आज नहीं जाता हूं यहां से। ज्यादा रहम करने की जरूरत नहीं है, 10 बजने वाले हैं। आर यू श्योर? 100%।
तुम्हारी वो कमीज उस दिन मुझसे प्रेस करते में जल गई थी। आप प्रेस क्यों कर रहे थे? प्रेस वाला नहीं आया था, तुम्हारी मीटिंग थी, मुझे लगा कि शायद तुम्हें उसकी जरूरत हो। तो फिर ये नहीं लाने की क्या जरूरत थी? सब कुछ रख लिया है, कुछ भूले तो नहीं हो? सब कुछ रख लिया है, कुछ नहीं भूला। बस एक ये तस्वीर है, सोच रहा हूं हाथ में ले जाऊंगा। उसे वहीं रखा, सामान में टूट ना जाए कहीं। जी उसे वहीं रखा रहने दो, ये मेरी है, मैं लाया था इसे अपने साथ। तो क्या हुआ, रखी तो मेरे घर में ना पिछले एक साल से। रह तो मैं भी रहा हूं पिछले एक साल से आपके घर में, क्या मैं आपका हो गया? घटिया चीजें मेरी नहीं हुआ करती। इस तस्वीर में तो मैं भी हूं, तो मैं क्या करूं? मेरी और पंजा की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। अरे ये मेरा सिर दर्द नहीं है। अरे अजीब जबरदस्ती है। हाँ है तो है। देखिए आप जिद मत कीजिए प्लीज। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? क्या करोगे? बदतमीजी भी कर सकता हूँ। अच्छा लग रहा है अब आपको? मिल गई शांति? आपको पता भी है तस्वीर कब की? ये तब की है जब मैं और पंजा शादी के फौरन बाद शिमला गए थे। वहां की सुबह गुलाबी और शामें नीली हुआ करती थी। आसमान इतनी पास दिखता था मानो पूरा शहर उसमें डूब गया। पंजा बादलों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागती और मैं पंजा के पीछे पीछे। ऐसे एक दिन बादलों के पीछे भागते भागते पंजा को खरगोश का एक छोटा सा बच्चा मिल गया। वो ठंड से कांप रहा था। उसे देख के पंजा सिहर गई। ये अकेला क्यों है? इसके माता पिता कहाँ हैं? चांदनी रात थी, ठंड बढ़ती जा रही थी। मैंने कहा पंजा चलो इसे भी अपने साथ ले चलते हैं। लेकिन वो नहीं मानी। अगर इसके माता पिता यहां आए और इसे यहां ना पाकर यहां से चले गए तो ये अकेला कैसे जिएगा चंदन? वो सारी रात खरगोश के उस बच्चे को अपने सीने से चिपकाए बैठी रही। सुबह जब चांद पूरा गया भी नहीं था, हमें खरगोश का एक हताश जोड़ा अपनी ओर आते हुए दिखा। पंजा ने धीरे से खरगोश के उस बच्चे को छोड़ दिया और फिर देर तक उन तीनों का जाना देखती रही। शहर पर आए एक बुजुर्ग से उस रात की याद में ये तस्वीर हमने खिंचवाई थी। वो सारे पल अब भी इस फोटो में कैद। अब भी आप चाहते हैं ये तस्वीर में ना लेके जाऊं? अपना ध्यान रखिएगा।
और जा, चंदन चला गया। अब तुम ही बताओ खरगोश वो था मैं। जाने से पहले उसने मुड़कर भी नहीं देखा और वो चला गया। वो एक नियत समय के इंतजार में था और वो चला गया। उसका यहां रहना तुम्हारी इच्छा भर का था बस, और वो चला गया। जा, चंदन चला गया, चंदन चला गया, बच जा। पापा, बच जा। मैं चंदन। पापा मत बोले मुझे। अंदर आ जाऊं? सर, मिस्टर अवस्थी, हेलो। अरे सुनिए तो, अच्छा इधर देखिए तो, मुझे तो आपसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा था कि सुनाई दिया। अगर आप नाराज ना हो तो कुछ कन्फेस करना है। मैं ना कई बार बोलते बोलते अचानक चुप हो जाता था, सिर्फ बोलने की एक्टिंग करता रहता था ताकि आपको ऐसा लगे कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है, सिर्फ आपको परेशान करने के लिए। लेकिन आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, आपके कान बिल्कुल ठीक है, किसी डॉक्टर वॉक्टर के पास मत चले जाइएगा, समझे? सॉरी। आप कुछ कहेंगे नहीं? आपको कुछ भी नहीं कहना है? लेकिन मुझे आपसे कुछ कहना है। मुझे जाना था रोशनपुरा, पर पहुंच गया 74 बंगले, समझे आप? आप ही मेरी जिंदगी के 74 बंगले हो। यह सच है कि मैंने यहां पंजा की मर्जी से रहना शुरू किया था, पर कब मुझे आप में अपना सबसे प्यारा दोस्त मिल गया मुझे पता ही नहीं चला। थैंक यू। थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू। मुझे मालूम है, जब तक मैं आपसे थैंक यू नहीं बोलूंगा तब तक आप यहां से चलेंगे नहीं। साल भर रह करके यहां आपने जो मेरा खून चूसा उसके लिए थैंक्स ए टन। मेरी बेटी जानती थी कि इस उम्र में मेरे लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए इस खटमल को मेरे साथ छोड़ करके गई थी। बहुत समझदार थी मेरी बेटी। सुन लिया आप लोगों ने? सुना अभी अभी क्या कहा इन्होंने? अपने कानों से सुना आपने? अभी अभी इन्होंने कहा बहुत समझदार थी मेरी लड़की। पूरे नाटक में ये मुझे पंजा की मूर्खता का परिणाम बताते रहे। बहुत सी बातें माहौल बनाने के लिए भी की जाती हैं, वरना नाटक लोगों को पसंद कैसे आता? अरे आपके माहौल बनाने के चक्कर में मेरी तो जान निकल गई ना। एक मिनट रुकिए, मैं देख रहा हूँ, रुक जाइए। हेलो। नहीं 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 सर, रॉन्ग नंबर है जी। नहीं है तो ईश्वर प्रसाद अवस्थी जी का ही नंबर, लेकिन हमारे शादी के लायक तो कोई भी नहीं। एक मिनट होल्ड कीजिए।
आप इस उम्र में फिर से शादी करने की सोच रहे हैं? आई कैनॉट बिलीव दिस। सर आप एक काम कीजिए, कल सुबह फोन कीजिए, लड़का भी रम के नशे में धुत है जी। हेलो हेलो, आप एक मिनट में सारी चीजें बर्बाद करके रख सकते हैं, समझे आप? आपको मालूम ही है कौन है? कौन है? 27 साल की है, बेहद खूबसूरत है और कोहिनूर आर्ट गैलरी में काम करती है। जो भी हो, आप अपनी घटिया पेंटिंग्स के लिए एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देना चाहते हैं? शर्मानी चाहिए आपको। पेंटिंग की तरह से आपका दिमाग भी घटिया है। वाह, इस उम्र में शादी करने की सोचे हैं आप और सोच मेरी घटिया है। अपनी नहीं, आपके बारे में सोच रहा था। तुम्हारी शादी, तुम्हारी पेंटिंग। मेरी शादी? आप सोच भी कैसे सकते हैं, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं पंजा के अलावा किसी और के साथ? नहीं कटेगी अकेली जिंदगी, वो लोग कोई दूसरे ही होते हैं जो कि किसी की यादों के सारे पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। तुम्हारे बस का नहीं है ये। समझ गया मैं, समझ गया। अब आप फुल फॉर्म में वापस आ चुके हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज का एक वक्त होता है और अभी वो वक्त नहीं आया। पहले पंजा की मर्जी थी, अब मेरी मर्जी है। मुझे तो मालूम था इतनी अपने तो मेरा पीछे छोड़ने वाले थोड़ी हो। 62 साल की उम्र में यूं ही बाल सफेद नहीं किए मैंने। आ गई ना दिल की बात जुबान पे, मतलब पूरे 62 साल के हैं और बाल भी रंगते हैं। बता दीजिए ना, मेरी उम्र के पीछे क्यों पड़े रहते हो तुम? अरे तो आप इतना खींच क्यों जाते हैं? मैं क्या ये लड़की के घर पे तो कितनी रंग बिरंगी रोशनी नजर आ रही है। ये लड़का और उसके घर वाले भी वही हैं। ये लोग तो गले मिल रहे हैं। लगता है सगाई होगी शायद। लगता तो यही है। ये बड़ा अच्छा हुआ, हर किस्से का अंत सुखद होना चाहिए। वाकई मुझे तो अचानक से बड़ी जोर से भूख लगाई। मुझे भी। वो आपके ऑर्डर का क्या हुआ? आया ही नहीं। आपने ऑर्डर प्लेस भी किया था या यूं ही हवा में? अरे अपनी तरीके का समझ रखा है क्या? पानी पड़ रहा है बाहर, नहीं आ पाया होगा बेचारा। तो बारी तो आपकी। मेरी तो दिन में थी। अरे दिन में तो किसी ने खाया ही नहीं। अरे कितने चालाक हो तुम? आपसे कम, 62 के होके जिस तरीके से मेरी उम्र के पीछे क्यों पड़े रहते हो तुम? फोन बज रहा है, फोन सुन लीजिए किसका। जी मैं ईश्वर। अरे नहीं जाना मुझे चार धाम की यात्रा पर। अपनी अम्मा को भेजेगा मेरे साथ तू? आप लोग तो आराम से घर जाइए, क्योंकि अभी इनके पास तो इस तरह के फोन कॉल्स आते ही रहेंगे। अभी तो मैं बिना इंटरेस्ट के लोन देने वालों को, फ्री में सिर पे बाल उगाने वालों को और इस तरह के सभी जानलेवा पिछड़ों का इनका नंबर देता ही रहूंगा। लेकिन प्लीज बताइएगा मत इनको। और एक बात और, जब तक ये है, जब तक मैं हूं, हम लोग हमेशा ऐसे ही साथ में रहेंगे एक दूसरे के। प्रॉमिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अरे लाइए, मेरी बात कराइए पापा। और किसका फोन है? मेरी बात तो कराइए। अरे और कौन है जो 62 साल की उम्र में आपकी जान जा रहा है? पीछे क्यों खड़ा रहते हो तुम? ये उल्लू का बट्टा है कौन पापा?